उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर सियासत शुरू हो गई है। पहले अखिलेश यादव ने गोरखपुर में संगठन की बैठक के दौरान बुलडोजर एक्शन पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई। अब इस मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग होना चाहिए, और कहा कि बुलडोजर पर सबके हाथ सेट नहीं हो सकते। दरअसल सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था, आज हम अचीवर स्टेट हैं। एक और दो की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।